पैदा होता है, मिट्टी का पोषण करता है, मिट्टी को सजाता है, मिट्टी पर सोता है, मिट्टी में ही मर जाया करता है। और ज्ञानी आदमी मिट्टी में रहने वाली चेतना को समझता है, लौ को समझता है, ज्योति को समझता है, बाती को समझता है, और उस बाती से लौ लगाते हुए लौ बनकर लौ में समा जाता है। बस इतना सा ही बुनियादी फर्क है। हम ले चलें, मुक्ति सूत्र की बहुत प्यारी पंक्तियां हैं कि हम ले चलें निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो, अंतर गुहा में लीन हो, शिव रूप ही बस शेष हो। हम ले चलें निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो, अंतर गुहा में लीन हो, शिव रूप ही बस शेष हो। अर्थात हम अपने आप को वहां ले चलें जहां सहज में शांति है, समाधि है, कैवल्य है, मुक्ति है, एकत्व का बोध है। हम खुद को वहां ले चलें। दुनियादारी में अगर केवल हम उलझ गए तो मिट्टी है, मिट्टी बन करके रह जाएंगे। आनंद घन का पद है, क्या तन मान जना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मान जना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी चुन चुन महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, एक दिन ऐसा आएगा प्यारे। मिट्टी चुन चुन महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, एक दिन ऐसा आएगा प्यारे। क्या है गीत, क्या है ये हैं? मतलब जिस दिन ये बंदा चला जाएगा, मिट्टी चुन चुन महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, एक दिन ऐसा आएगा प्यारे, ये घर तेरा ना मेरा। तो ये घर ना तेरा रहेगा ना मेरा रहेगा। मिट्टी ओढ़ण मिट्टी बिछावण, मिट्टी कारे सिरहाणा। मिट्टी ओढ़ण मिट्टी बिछावण, मिट्टी कारे सिरहाणा। तो अपन लोग मिट्टी को ही बना रहे हैं, उसी का सिरहाना है, उसी का ही उपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मिट्टी मिट्टी मिट्टी। डायोजनीज की एक बहुत प्यारी कहानी है। कहते एक आदमी डायोजनीज को शराब की एक महंगी बोतल लाकर के गिफ्ट देता है, बोले कि लीजिए डायोजनीज। डायोजनीज सिकंदर का गुरु, डायोजनीज सिकंदर का गुरु। और कहते हैं कि उस डायोजनीज को कोई उनका भक्त एक महंगी शराब की बोतल लाकर के भेंट करता है, बोले लो गुरुदेव आप इसको स्वीकार करो। गुरुदेव बोतल उठाते हैं, ढक्कन खोलते हैं और मिट्टी पर डालने लगते हैं, पूरी बोतल खाली हो जाती है। भेंट देने वाला व्यक्ति आग बबूला हो जाता है और कहता है, गुरुजी मैं आपके लिए इतनी महंगी शराब लेकर के आया और आपने इसको मिट्टी में डाल दिया। डायोजनीज हंसे और कहने लगे, बंदा अगर मैं इसको मिट्टी में ना डालता तो ये मुझे मिट्टी में मिला देती, अगर मैं इसको मिट्टी में ना मिलाता तो ये मुझे मिट्टी में मिला देती। तुम्हें ये तो दिखाई देता है कि मैंने शराब को मिट्टी में मिला दिया, पर तुझे ये नहीं दिखाई देता कि अगर मैं इसे पी लेता तो ये मुझे मिट्टी में मिला देती। तो जिनकी नजरों में मिट्टी से आगे कोई चीज उतर गई है, वो व्यक्ति मिट्टी को महत्व नहीं देते, वो लोग कुछ आगे देखते हैं और तब कहीं और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और तब उनको लगता है, अरे भाई घर यहां पर बनाया तो क्या बनाया, असली घर वहां बनाया जाए कि जहां हमारा शाश्वत बसेरा हो सके। ज्ञानी जनों ने उस स्थान को सिद्ध स्थान कहा, मोक्ष स्थान कहा, सिद्ध शिला कहा, बैकुंठ धाम कहा, ब्रह्म लोक कहा, कि जहां जाने के बाद इंसान को जन्म मरण नहीं करना पड़ता और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अगर हम यूं ही जन्म मरण करते रहे तो होगा क्या? अपन लोग ऐसे ही मां की कोख से पैदा हुए, इस जन्म में भी वही पहली से एमए तक की पढ़ाई की और आगे भी फिर वही पढ़ाई करके नौकरी ज्वाइन करेंगे और यूं ही फिर आजीविका की व्यवस्था करेंगे, वही बीवी बच्चे धंधा पानी और यूं करते कराते मर मरा के पूरे हो जाएंगे।
ज्ञानी कहते हैं ये कार्य हम इस जन्म में भी कर रहे हैं, ये कार्य हमने पूर्व जन्म में भी किया, ये कार्य हमने भी किया, हमारे बाप दादों ने भी किया, बाप दादों के बाप दादों ने किया, उनके बाप दादों के बाप दादों ने किया, और ये दुनिया की पीढ़ियां इसी तरह से चलती आ रही है। ये जन्म मरण की धारा यों ही चलती रहती है। कोई कोई विरला होता है, कोई कोई नमी की जैसी चेतना को उपलब्ध करता है और निकल जाता है। जो निकल जाता है वो मुक्त हो जाता है, जो नहीं निकल पाता वो वापस वही बीवी वही बच्चे और कुल मिलाकर सब कुछ वही का वही, वही का वही लगता होगा कि ये मेरे। पर हर किसी इंसान को मेरे का मूल्यांकन करके देखते रहना चाहिए कि ये मेरा है या नहीं है। वो कहते हैं ना कि कबीर जी के पास कोई आदमी पहुंचा और जाकर कहने लगा कि साहब मैं संत बनूं या गृहस्थ बनूं, जरा मुझे इसका जवाब तो दीजिए। तो कबीर कहते हैं अच्छा भाई बैठो, जवाब देते हैं। और जवाब देने के लिए उन्होंने झट से अपनी बीवी को आवाज दिया और आवाज देते हुए कहा भाई जरा मुझे थोड़ा सा लिखना है, एक दीपक तो लेकर के आओ। दोपहर के दो बजे सूरज सामने चमक रहा है और कबीर जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं आवाज देते हुए कि जरा दीपक तो जलाकर लाओ। और पत्नी ऐसी कि ये दीपक वास्तव में जलाकर लाकर के रख देती है, हैं? दीपक वास्तव में जलाकर रख देती है। तो सोच लो कौन सा ममत्व का बंधन रखना चाहिए। क्या हम अगर अपनी पत्नी से कहें दोपहर के दो बजे कि थोड़ा मुझे सुई पिरोना है, धागा पिरोना है, थोड़ा लालटेन तो जलाकर राकर रख दो, वो झट से अंदर से क्या आवाज देगी, अरे थारो माथो खराब है। दोपहर दो बजे सूरज उगेड़ो है और थे कह रही हो कि दीपक जला ला दो, नींद में तो नहीं हो। तो अगर पत्नी ऐसा जवाब दे दे तो समझ लेना गृहस्थी भारी पड़ सकती है। वो तुम्हारे हिसाब से चलने वाली गृहस्थी नहीं है, वो अपने हिसाब से तुम्हें चलाने वाली गृहस्थी है। अगर सामने वाले के हिसाब से चलना हो तब तो गृहस्थी बसा लो, और खुद के हिसाब से ही अगर अपनी गृहस्थी को चलाना है तो कबीर जैसी बीवी मिल जाए तब तो गोटी सेट कर लीजिएगा, और नहीं तो शकुनी का पासा खेलते हुए उस गोटी को वहां से हटा दीजिएगा। घर हम ले चले निज को वहां जो शांत सौम्य प्रदेश हो, अंतर गुहा में लीन हो शिव रूप ही बस शेष हो। थोड़ा अपने से जुड़े, अपने में देखें, अपने में झांकें, अपने आप से मुलाकात करें तो पता चलेगा ये काया भी हमारा एक घर है जिस घर के भीतर एक भगवान निवास करता है। ये काया पंच तत्वों की बनी हुई है, भूमि गगन नीर, ऐसे ही तो पांच तत्वों से काया बनी हुई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत रचित अधम शरीरा। ये शरीर पंच तत्वों से बना है और इन पंच तत्वों में ही तो उसका रचनाकार बैठा है। पंच तत्व कौन कौन से हैं ध्यान में आ गया? कौन कौन से हैं ध्यान में आ गया? मिट्टी पानी हवा अग्नि। हवा तो वायु हो गई है, तो मिट्टी हवा पानी और आकाश और अग्नि, तो ये पांच तत्व हो गए। भगवान शब्द में क्या है? भ से भूमि, भगवान में भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, और भगवान में जो आ है आ से अग्नि, और न से नीर। तो ये पंच तत्व अपने आप में ही भगवान शब्द में समाहित है। तो ये जो हमारी पंच तत्वों की काया है इसमें भगवान खुद ही समाया हुआ है। थोड़ा इस घर की तरफ भी कोई गौर करे तो
तो ऊपर वाले घर की तरफ भी उसका गौर जा सकेगा, वरना हर आदमी की जिंदगी, हर आदमी की दुनिया एक बीवी दो बच्चे, बस इन तीन जनों के इर्द गिर्द में ही घाणी का बैल घूमता रहता है, घूमता रहता है, रुकता वही है जहां से वो अपनी यात्रा शुरू करता है। घाणी के बैल की वो जिंदगी चलती रहती है, घर से एक दुकान, दुकान से घर, घरवाली से दुकान, दुकान से घरवाली के पास, बस वो ले देकर के वहीं पर ही मकड़ी का जाल घूमता रहता है और इंसान इसी में ही उलझ करके रह जाता है। कभी सोचे वो बीवी के लिए तो बहुत चिंता करता है, अपने आप के लिए कितनी सोचता है? वो ये तो सोचता है कि मेरी नगरी जल रही है, मेरे घर वाले जल रहे हैं, कभी वो ये भी सोचता है कि मैं कितना जल रहा हूं। हर आदमी ये तो देखता है, मेरे बच्चे को गुस्सा आता है, मेरी पत्नी बड़ी घमंडी है। अरे भाई, कभी खुद के लिए भी तो सोचो कि तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता। हर आदमी आजकल एक आम तौर पर देखा करता हूं कि कई महिलाएं आती है, कई बहनें आती है और आकर कहती है, साहब मेरे बच्चे को गुस्सा बहुत आता है, थोड़ा सा कोई उपाय सुझाओ ना कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। तो कई दफा तो मैं मजाक में कह देता हूं, क्यों, ये अपनी माँ पर गया है क्या जो मुझे कहता है? अगर पुरुष कहने आया तो मैं कह देता हूँ, क्यों, ये अपने पिता पर गया क्या? बोले नहीं नहीं साहब, पिता पर आप कैसे कहते हैं? तो मैं, क्यों, आपको गुस्सा नहीं आता? बोले हाँ साहब, आता तो है। तो फिर तुम इसकी आग बुझाने की तो सोच रहे हो और खुद की आग की तुम्हें चिंता ही नहीं है। अगले की दाढ़ी में आग लगी हुई है वो तो तुम्हें दिखाई देती है, खुद की दाढ़ी में आग लगी वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। हर आदमी दूसरे को सुधारना चाहता है, हर आदमी दूसरे को ज्ञान देना चाहता है। अरे भाई, अपन सब भी डूबे हुए हैं। ज्ञान दूसरों को देने के लिए नहीं होता, ज्ञान जीवन में जीने के लिए हुआ करता है, खुद के कल्याण और उद्धार के लिए हुआ करता है। अपन सब लोगों को गुस्सा आता है, अपन सब लोग भी गालियां निकालते हैं, अपन सब लोग भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, सब लोगों में घमंड है, सब लोगों में जलेसी है, पर दूसरा करता है तो सुहाता नहीं है। तो जैसे दूसरों के करने पर हमें नहीं सुहाता, वैसे ही हमारे करने पर दूसरों को नहीं सुहाया करता। ज्ञानी कहते हैं, अज्ञानी वो है जो दूसरों की आग बुझाना चाहता है, और ज्ञानी वो है जो अपनी जलती दाढ़ी को देखकर पहले अपनी दाढ़ी को बुझाने की चेष्टा करता है। अर्थात मिथिला जले तो अपना क्या जलेगा। तुम पहले सोचो कि अगर किसी इंसान को यह पता चल जाए कि इस मकान में आग लग गई है, इस मोहल्ले में आग लग गई है, पर तुम्हारी अपनी पतलून में भी आग लग गई है, जरा सोचो कि तब हम किसकी आग बुझाने की कोशिश करेंगे? पहले अपने पतलून की आग बुझाने की कोशिश करेंगे या मकान की और मोहल्ले की आग बुझाने की कोशिश करेंगे? हाँ, जिसको अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि मेरी पैंट और पतलून में भी आग लग गई है, वही व्यक्ति दूसरों की आग बुझाने जाएगा। पर जिस ज्ञानी को, जिस तत्व चिंतक को, जिस आत्मज्ञानी को ये एहसास हो गया, भाई अपना खुद का ही बंदा जल रहा है, अपन खुद ही जल रहे हैं, तो पहले अपनी आग तो बुझाऊं। मेरे भीतर भी, आपके भीतर भी, सबके भीतर ही क्रोध की आग सुलग रही है, अहंकार की आग सुलग रही है, पर अपन लोग अपनी आग पर गौर नहीं करते। हर आदमी दूसरे की आग को बुझा